स्वागत है दोस्तों आपके एक नए वीडियो में। और इस समय मैं हूँ दरांग के रेलवे स्टेशन पे। दरांग छोड़ने का समय आ गया है। मैं एक नई जगह जा रहा हूँ जिसका नाम है पनांग नगाई समथिंग, जो कि अराउंड 125 किलोमीटर है यहाँ से। और उधर से फिर एक जगह फेरी लेके एक आइलैंड है, क्योंकि आप आगे वीडियो में देखोगे उधर जाना है। तो मैं पहली बार वियतनाम में ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको कि वियतनाम की जो फर्स्ट क्लास ट्रेन है वो कैसी होती है। अभी ट्रेन आने में कुछ 5-10 मिनट हैं, तो जैसे ट्रेन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन कैसी है, स्टेशन कैसा है और सीटें वीटें कैसी हैं। तो इस वीडियो में आप बेसिकली आप देखोगे कि हमारी ट्रेन जर्नी कैसी थी दरांग से लेके पनांग की। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आइलैंड कैसा था, आप कैसे पहुंच सकते हो, सारी डिटेल। वन ऑफ द फेमस एरिया है, बट स्टिल जो लोकल पीपल हैं उनके द्वारा एक्सप्लोर करा जाता है। अभी इंटरनेशनल ट्रैवलर इतना उस एरिया में नहीं गए, जाते हैं तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है ऑनलाइन और यूट्यूब पर। बट दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि दनांग हो गया, हनोई हो गया, या हुआन हो गया, या हो चिन मिन, ये तो प्रेडिक्टेबल है कि लोग जाते हैं। पर ये जो आइलैंड है, ये फाइनेंशियल इट विल बी वेरी हैप्पी, विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो फिलहाल तो इस वीडियो में देखते हैं कि ट्रेन जर्नी कैसी है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है वियतनाम में ट्रेन का। ये कुछ ऐसा दिखता है ट्रेन का स्टेशन वियतनाम में दनांग का। लाइन में लगेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी तरफ से। ये रेलवे स्टेशन, इधर से ये ट्रेन SE3 है भैया। ये ट्रेन है, हमारा इंजन निकल गया बहुत आगे, इंजन नंबर 1। गाड़ी आ गई है बाहर। ये है ट्रेन, सही लग रही है, अंग्रेज नंबर 1। इसको देखो इंजन चेंज हो रहा है, बेकार ही भाग रहा था। तो रहा बाथरूम होगा इसमें, वही जरूरी है। सारे लोग उतर गए हैं, हमारे चढ़ने का गया समय। मेट्रो में एक्सप्रेस ट्रेन है, नंबर कहाँ लिखा है, 15 25। ये हमारी तो भैया पहुंच गए इधर स्टेशन पे। जैसे कुछ ऐसा स्टेशन है, ये ट्रेन है। AC डब्बा बुक करा था, AC चली नहीं रही थी, गर्मी में बुरी हालत।
तो ओवरऑल जर्नी ठीक थी, बढ़िया थी। एक घंटे ट्रेन लेट हो गई और पहुंच रहा है, अब देखते हैं। जा रहे अपने होटल पे, करीब एक आधा घंटा लगेगा ऐसा कुछ। रोड यहाँ ये पहले पहुंचे थे रेलवे स्टेशन, बैठे थे काफ़ी देर, बड़ी मुश्किल से एक बाइक वाला मिला। और ये करीब 35-24 किलोमीटर दूर हैं जहाँ से फेरी मिलेगी आइलैंड जाने के लिए। तो बाइक वाले ने भी एक मात्र होटल है यहाँ पे, उसमें छोड़ा है, तो जा रहे हैं। हो तक गया, अब एक बार रूम दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा है इस छोटी सी जगह पे। और फिर ये है 305, ऐसा कुछ रूम है। एसी है, टीवी है, पंखा है। एक छोटे से जो मछुआरे वाले टाउन के सामने थे ना, आप सारी मछुआरों की बस छड़ी हुई हैं। गर्म पानी है, ओह माय गॉड, बेड अच्छा लग रहा है, सिंगल बेड, बाथरूम है। और ये एक रात का है इसका 650-650 रुपये के आसपास है इसका जो किराया है। अच्छा।